अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामने मौजूद हैं कासिम पटेल साहब। इन लोग, इनके क्रेडिट में 3 गुजराती फिल्में हैं और बेशुमार स्टेट ड्रामे और काफ़ी काम इन्होंने किया है गुजराती के लिए, और तीनों गुजराती फिल्मों में असिस्टेंट भी रहे, असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे, और इन्होंने अदाकारी भी की है, और बेशुमार हमारी अभी भी आर्ट काउंसिल में मौजूद हैं और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मैं कासिम पटेल साहब को गुजराती फिल्मों के बारे में पूछूंगा। तो कासिम भाई, ये बताएं, गुजराती किन किन फिल्मों में आपने काम किया और अपने आप असिस्टेंट डायरेक्टर रहे, किन किन फिल्मों में, जरा बताइए। सबसे पहले तो मैं तमाम सुनने वाले और देखने वालों को सलाम पेश करूँगा। बात यह है कि गुजराती जबान हमारे यहाँ से 1974 से आहिस्ता 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 ख़त्म होना शुरू हो गई। दूसरी बात यह है कि मैं गुजराती सिर्फ प्राइमरी तक पढ़ा हुआ हूँ, और बकाया जितनी भी गुजराती मैंने सीखी या मैंने पढ़ी या मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे मेरे वालिद ने इसमें बड़ा गाइड किया और मेरे वालिद ने मुझे सिखाया। इसके बाद मैंने गुजराती अखबार रोजनामा मिल्लत में 30 साल जॉब भी की एज ए जर्नलिस्ट। फिर इससे पहले मैं कराची में होने वाले मेमनी और गुजराती ड्रामों में शौक रखता था। पहला ड्रामा हमारा मेमनी जबान का शायद 1967 या 68 में पांजे करो के नाम से हुआ, जिसे उमर शहरयार साहब ने लिखा, उसे डायरेक्ट किया और उसे पेश भी किया। इसके बाद ये सिलसिला हमारा गुजराती और मेमनी ड्रामों का चलता रहा। इसी दौरान हमारे बड़े राइटर्स गुजराती जबान के और बड़े डायरेक्टर, जिसमें आदम सुमरो साहब, उस्मान मेमन साहब, ग़ुलाम अली मेघानी, महमूद लाखानी और अब्दुल्ला सौदागर और दिगर बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो गुजराती और मेमनी जबानी अदीब थे, वो कवि भी थे, यानि शायर भी थे, वो लिखते भी थे, गाने भी। हम इस तरह की फिल्मों में आपने असिस्टेंट डायरेक्टर के ऐसे ऐसे काम अंजाम दिया है। हवे हूँ मारा गुजराती बहन भाइयों से मुखातिब छूँ अने ये जणावुं कि पाकिस्तान में मात्र 3 गुजराती फिल्मों बनावामां आवी, जेमांथी 2 फिल्मों रिलीज थई अने 1 फिल्म रिलीज न थई शकी अमुक कारणोसर। जे 2 फिल्मों रिलीज थई एमां प्रेम बंधन, जेना राइटर डायरेक्टर आदम सुमरो हता, अने त्यारबाद बीजी फिल्म हती जे रिलीज थई मा के मा, जेमा जेना डायरेक्टर इकबाल अख्तर। आ बन्ने फिल्मों मा मैं प्रेम बंधन मा तो हूँ एकलोज एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर में काम करूँ छे आदम सुमरोनी साथे, कारण के हूँ एने मारो उस्ताद भी मानू छू। अने बीजी फिल्म माते मा जेमा कदीर खान अने इकबाल अख्तर आ फिल्म बनावी हती, तो एमा उस्मान मेमन साहब जे हमारा कराची स्टेज ना किंग कहवाता था ते वक्त मा, एमने साथे मैं एज ए असिस्ट काम करियो। अने त्रीजी फिल्म हती के जे रिलीज न थई शकी, ए फिल्म ना लेखक हता कलीम अमरेलवी, अने फिल्म नु नाम हतुं पारस मणी। आ फिल्म मा भी मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर एमने साथे काम करतो रह्यो, पण अमुक कारणोसर आ फिल्म रजू न थई शकी। त्यार पछी अमे स्टेज नी लाइन मा आव्या, स्टेज ड्रामा 100 थी वधारे मैं स्टेज ड्रामा मा काम कर्युं, एटले के एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, एज ए एक्टर, अमुक जग्याओ पर राइटर, एवी रीते मैं 100 थी वधारे ड्रामा कराची स्टेज पर गुजराती, मेमणी अने उर्दू। त्यार पछी 1974 मा हूँ तमने एक बात बतावी दूँ कि मारी आ फिल्म मा एंट्री जे थई छे 1968, आ वर्ष मा मैं कलीम अमरेली ना ड्रामा पारस मणी, जेनी एमणे फिल्म भी बनावानी कोशिश करी पर न बनी शकी,
એમાં એક 10-12 ડાયલોગનો એક કિરદાર મેં કરેલો. ત્યાંથી મને આ ડ્રામાઓમાં અને ફિલ્મોમાં કામ કરવાનો શોખ જાગ્યો. ત્યાર પછી 1974માં આદમ સુમરોની સાથે અમને એક પાર્ટીએ આફ્રિકાની બહાર કન્ટ્રીઝમાં પ્રોગ્રામ કરાવવા માટે અમને લઈ ગયા. મેં 1974માં લગભગ 3-4 મહિના અમે આફ્રિકાના વિવિધ શહેરોમાં રહ્યા. જો સુના કે વિલન કા કિરદાર ભી ક્યા થા ગુજરાતી ફિલ્મ મેં, ફિલ્મ બનાઈ થી હમારે યહાં કે મેકઅપ મેં થે સાજી અખ્તર અલી શાહ, અખ્તર અલી શાહ ને બનાઈ થી, લેકિન વો ફિલ્મ બન નહીં સકી. કુછ શૂટ હુઈ ફિર બંધ કર દી ગઈ, ક્યુંકિ રિકવરી નહીં થી ના. તો ઇન્સાન પૈસે લગાતા હૈ તો કુછ મિલે તો સર, ન મિલે તો ઇતને તો મિલે જો ઇનકી કવરેજ હો જાય. તો ફિર ઇસકી વો ઇસકે બાદ ટોટલ 2 ફિલ્મે લગી હૈ, પારસ મની ઓર એક દૂસરી ફિલ્મ થી. 3 ફિલ્મે ટોટલ બની થી, જિસમે પારસ મની રુક ગઈ ઓર 2 ફિલ્મે કમ્પ્લીટ નહીં હુઈ ઓર એક ફિલ્મ હી ચલી જો માથે માં. તો ઇતના મુજે પતા હૈ, બાકી હમારે જો હૈ કાસિમ પટેલ વગેરા જો ભી હૈ ઉનકે સાથ આસિસ્ટન્ટ હોતે થે, ઉનકો મુઝસે યાદ. મેં આલમી ઉર્દુ કોન્ફરન્સ હોતી હૈ, રિજનલ લેંગ્વેજ કે સારે ડ્રામે હોતે, પંજાબી, સરાયકી, બલોચી, પશ્તો, और यहाँ आर्टकोसल के 25% गुजराती लोग हैं, मेहमान हैं. ये लोग जो है बड़ी बड़े मकसद के लाइव मेंबर है. तो यहाँ हर एक की जबान मीठी जबान होती है. हमारी पूरे पाकिस्तान की सारी लैंग्वेज है, हमारी अपनी लैंग्वेज है. मैं बड़ा खुश होता हूँ. तो गुजराती की जबान में क्यों नहीं ड्रामा होता, क्योंकि आप तो बहुत सारे ड्रामों के सरप्रस भी होते हो. बात यह है कि मैंने बहुत सी सीडियां और कैसेटें गुजराती और मेमनी बनाई है, जिसके ऊपर मैं अमेरिका में था. तो मेरे को वहां सीडियां जब कोई मेमनी की मांगने के लिए आता था तो मैं नाम पढ़ता था तो उस पर लिखा होता था प्रोड्यूसर सिद्दीकी राजा. तो मुझे बड़ी खुशी हो गई थी कि मैंने मेमनों के लिए कुछ किया है. लेकिन बात क्या है कि अहमद शाह से बात करेंगे इंशाल्लाह, अब इंशाल्लाह होगा. मैं भी करूंगा, इन चॉइस ही कहूंगा या मेमनों के लिए या गुजरातियों के लिए कुछ करें. बेहतर तो है कि गुजराती के लिए कुछ करें, ताकि व्यूवर्स भी गुजराती के मेहमान भी हैं और दूसरे गुजराती भी हैं, बोली और ये और स्माइली वगैरह सब. तो इंशाल्लाह बात, मैं भी तैयार हूँ. कुछ और दोस्त भी और आप भी अगर करें कि हम गुजरात में फिल्म क्यों नहीं बना सकते, वीडियो की बनाए फिल्म हम बना सकते हैं. आप खाली हुक्म करें, मैं आपके साना बसाना हूँ और आप मुझे जो कहेंगे मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ. मैं अपनी जबान के लिए खर्च करने के लिए तैयार हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया. अभी तो कराची क्लब के अंदर जो है काफी ड्रामे लेकर गई हूँ, 3-4, लेकिन उसके अंदर मेरा ड्रामा सिलेक्ट हुआ गली में सामने. तो उसके अंदर जो ड्रामा और सर्दी इतनी थी, सिद्दीक भाई भी आए हुए, उनकी फैमिली पूरी आई हुई थी. तो इतनी सर्दी के बावजूद चादरें ओढ़ के, अपना शाले ओढ़ के जो है हमारी बहनें, हमारी माएं ऐसे बैठी हुई और पूरा क्राउड भरा हुआ था. और वो ड्रामा भी माशाल्लाह इतना अच्छा गया, क्योंकि वो पूरा हमने कल्चर दिखाया है. लेकिन धनी बैठो के सामने, लेकिन हमने अक्सर तो ये होता है कि बायड़ी मेरे सामने बैठती है, लेकिन हमने इसको एक चेंज ऐसा दिया कि धनी बैठो के सामने. क्योंकि कुछ ऐसा भी है ना हमारी कौम के अंदर के शौहर जो है वो, मतलब जो वाइफ होती है उनके माँ बाप जो है घर सामान लेते हैं, तो उसके ऊपर हकीकत में मम्मी हमने एक ड्रामा किया था. वो सक्सेस हुआ, कराची क्लब वालों ने बहुत अप्रिशिएट किया. उसके बाद वो फिर भी अभी हिम्मत नहीं कर रहे, तो अगर वो चाहे तो दोबारा भी ड्रामे बड़े अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट है मेमनी ड्रामों के. क्योंकि हालांकि मना किया है मुझे जो हमारे उस्ताद हैं, वो जो मेमनी ड्रामों के बानी है समझो, फाउंडेशन है. क्योंकि पहला ड्रामा तो उमर शेरजियार साहब ने किया था इस कमर्शियल, उसके बाद जो चलाया ना वो चलाया उस्मान मेमन साहब. और उस्मान मेमन साहब के पास ऐसे ऐसे स्क्रिप्ट हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज हैं, तो सबको पता भी है जो देख रहे हैं आप लोग मुझे. तो क्योंकि मैं तो समझो बचपन से ही हूँ इस फील्ड के अंदर, 1975 से, आज 2023 हो गया, माशाल्लाह पहला दिन है उसका. तो हमने काफी ड्रामे किए और ड्रामे मेमनी ही चलते थे हमारी ऑडियंस. और फिर आजकल जो है हमारे घरों में मेमनी जबान निकाल दी गई है, हमारे बच्चों को हम सिखाते हैं उर्दू. अब उसके अंदर मेमनी जबान लाजमी है बच्चों को सिखाना, भले वो इंग्लिश बोले, उर्दू बोले, सब बोले, लेकिन जो अपनी मोदी का अपनी मादरी जबान जो है ना उसको ना भूलें. तो माँ बाप को चाहिए कि उन बच्चों को तरबियत दे. इसी तरह के ड्रामे अगर हम करते हैं तो बच्चों को भी थोड़ी सी तरबियत मिलेगी
माँ बाप जो है कहेंगे कि चलो आज अपना मेमोरी ड्रामा है देखो, उसमें माहौल का पता चलेगा। जैसे अभी तो बताया सिद्दीक भाई ने, कुछ ऐसे अल्फाज किए ना, अभी किचन को हम बोलते हैं फैमिली के अंदर प्योर में रसोड़ो। अब नई जनरेशन को नहीं पता है रसोड़ो क्या है, वो अपने जो पोचे वगैरह जो सफाई होती है उसके अंदर बोलते हैं पोचा मारी। अब वो बोलते पोचा क्या होता है, रांधनी क्या होता है, ये सारी चीजें जो है मेमनी हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको नहीं पता। ये हम उसमें दिखाते हैं, और क्योंकि हम क्रिएटर भी ऐसा लेते हैं कि जैसे माँ है, दूसरी माँ होती है घर की, एक बुजुर्ग होती है, उसकी मेमनी बिल्कुल ही अलग होती है, खुद के बच्चों की मेमनी अलग होती है। अब हमारी मेमनी तो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा मेमनी ड्रामे गुजराती फिल्में ड्रामे और जो भी बनाएं, लेकिन इसके लिए चाहिए फाइनेंस। और इसके अंदर अगर हमें सपोर्ट, क्योंकि काम हम कैमरा टेक्निक भी जानते हैं, हम थिएटर का सारा काम जानते हैं नीचे से ऊपर तक का, तो अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर अल्लाह ने मुझे दिया, इस काबिल किया, तो मैं मेमी ड्रामे करता था और इंशाल्लाह फिर करूँ। हमें हम जो कहते हैं ना वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं, तो मैं अमित शाह का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े ही काबिल सदर हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी इसलिए है कि हम आर्ट काउंसिल में बैठे हैं और आर्ट काउंसिल के अंदर जो है सदर हमारा अमित शाह है, और हमने आगे ड्रामे भी करने हैं और उनसे हमने और भी लेना है। अभी दो तीन दिन बाद एक मीटिंग करूंगा, क्योंकि मेरा एक ड्रामा है गीबत के नाम से जो आजकल बड़ा मशहूर है कि हर आदमी गीबत कर रहा है, मैंने गीबत का उसका वही एटमोस्फियर दिखा रहा हूँ लेकिन वो उर्दू में, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह होगा तो मेमनी ड्रामा भी कर देंगे तो सपोर्ट रहेंगे। हमारे बहुत ही समाजी शख्सियत है, हमारी पाक सेवा जमात फेडरेशन की भी जनरल सेक्रेटरी रहे और हमारे राजकोट सिपाही जमात के भी चेयरमैन ट्रस्टी हैं, और इनकी सोशल खिदमत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सामाजिक खिदमत की है। इसी तरह इन्होंने फिल्मों में, ड्रामों में, मेमनी गुजराती में बेशुमार इन्होंने काम किया है। और खान साहब ये बताइए, गुजराती फिल्म का क्या मुस्तकबिल है, मुस्तकबिल है, और आपने किन किन फिल्मों में काम किया गुजराती फिल्मों में? मैंने गुजराती फिल्म ये प्रेम बंधन जो आई, वो प्रेम बंधन में मैंने किरदार किया, और प्रेम बंधन गुजराती में बोल सकते, गुजराती में तो मैं बात करूँ तो मैं यहाँ गुजराती फिल्म बनी प्रेम बंधन, यहाँ बे फिल्मों बनी, एक तो माते माँ अने माते माँ ने पछी प्रेम बंधन, तो प्रेम बंधन में मैं रोल करियो, जग राजू भी मारा साथे हता, साहिर आबानू हती, अने यहाँ जुबली सिनेमा में बगदाए चाली माणसों जोई एने, पण ये वधारे लांबी चाली नहीं, बे चार हफ्ता चाली अने पछी न चाली। तो गुजराती फिल्म पर थी गुजरातीओ आपणी आपणा गुजरातीओ एटला वधारे एमने जोई नहीं, हवे जोई एमने गमी नहीं, ए हिसाबे हालांकि ज्यां सुधी चाली त्यां सुधी तो बधाए जोई। શું મુસ્તકબિલ છે અહીંયા ગુજરાતી લોકો, હવે ગુજરાતી કોમમાં તો બોરી બી છે, આગાખાની બી છે, મેમણ બી છે, સિપાહી બી છે, જૂનાગઢી કાઠિયાવાડી પારસી બી છે, હિન્દુ બી છે, એટલા બધી કોમ્યુનિટી મતલબ રીચ કોમ્યુનિટી છે દુનિયામાં, પછી બી આપણી ગુજરાતી કોમને કોઈ મકસદ પ્રમોટ નથી કરતો, એની વજા શું છે? હા બસ વજા મને તો એ કેટલા કે ચાલા કે ઘણા ગુજરાતીઓ આમાં રસ ધરાવે છે, જોવામાં જોવે છે, પણ મને તો એમ લાગે છે કે હવે નવી જનરેશન જે આપણી આવે છે એમાં એના એના માટેથી ને આપણે ગુજરાતીઓએ કાંઈ કર્યું નથી, એમની કોઈ શાળા કે એમની કોઈ સ્કૂલો કે એવી હોય તો બચ્ચાઓ જે છે એમાં ગુજરાતી શીખે અને ગુજરાતી બોલે, પણ હવે જેટલી આપણી જમાતો બી છે એ જમાતો ગુજરાતી પહેલાં એની શાળાઓમાં ગુજરાતી ભણાવતા હતા, હવે ગુજરાતીઓ બી એની શાળાઓમાં પણ ગુજરાતી બંધ કરી દીધી છે, એટલે હવે નવી જનરેશન માટે શીખવાનું ખતમ થઈ ગયું છે, તો હવે નવી જનરેશન એને ખબર જ નથી કે ગુજરાતી કેવી રીતે બોલાય, કેવી રીતે લખાય, ઘરમાં તો કંઈ એ બહુ ઓછી બોલાય છે, પણ હવે લખવામાં કે ક્યાંય સ્કૂલોમાં શાળાઓમાં ક્યાંય એ લોકો માટે નથી, નવી જનરેશન માટે ગુજરાતી ભાષા નથી।
હિન્દી ડ્રામા ભી બહુ હિટ થયા છે, જેમાં તમે અદાકારી ભી કરી હતી, હદાયતકારી ભી કરી હતી, મુસન્નિફ ભી હતા, જેમ કુરબાની જો બકરો ને ઘણા મેમરી ડ્રામા હતા. કેટલા તમારા મેમરી ડ્રામા હતા? મેમરી ડ્રામા તો મને લખવાનો શોખ હતો, તો મેં લગભગ 11-12 ડ્રામાઓ લખ્યા હતા અને લખ્યા હતા અને એમાં કામ પણ કરેલું હતું. પણ એ બધામાં જે વધારે સારા સુપરહિટ એટલે 25 વધારે નાઇટો થઈ જેની કુરબાની જો બકરો મેમની ડ્રામો હતો. સમજો કે મેન ફ્રોમ મીઠાધર, એના પછી હણે થીનો કરો, હણે કરો, પછી સુડી, સુડી વચ્ચે સુપારી. કેટલી ગુજરાતી ફિલ્મો બની છે આપણા પાકિસ્તાનમાં? પાકિસ્તાનમાં અત્યાર સુધી 2 ફિલ્મો બની, એક તો માતેમાં અને એના પછી આ બીજી હતી પ્રેમ બંધન, અને એક ત્રીજી ફિલ્મ બની રહી હતી પણ એ મારા ખ્યાલથી પછી ડબ્બામાં જ બંધ થઈ ગઈ. એ પછી કે પારસમની છે મારા ખ્યાલમાં, પારસમની. હા, અખ્તર અલી શાહ એના, અખ્તર અલી શાહ એના પ્રોડ્યુસર હતા. અને કેમેરામેન જો મેકઅપ મેકઅપ મેનેજર થા એ યા ફિલ્મમાં મેકઅપ કરતા હતા, બધા મેકઅપ કરતા હતા અને એણે જ બનાવી હતી. અચ્છા. અને બરાબર છે કે એના પછી એક કોઈ કારણસર ન બની તો એ પછી અડધી રહી ગઈ. નાકામીની વજા મને તો બીજું કઈ નથી લાગતું. ગુજરાતીઓ આપણા ઘણા છે, અનેક ગુજરાતીઓ છે જે લોકો નાટકોમાં ડ્રામાઓમાં જોવામાં રસ લે છે, પણ મને જે લાગ્યું આમાં એ જ કે કારણ કે ગુજરાતી ભાષા હવે ઘરોમાંથી પણ જાણે બહુ ઓછી બોલાય છે, માણસો લગભગ ઉર્દુમાં યા બીજી ભાષામાં વાતચીત જાતે થાય છે, એટલે ગુજરાતી હવે આસ્તે આસ્તે વિલીન એટલે કે નથી બોલાતી. ઉસ્માન મેમન સાહેબે બી ગુજરાતી ફિલ્મમાં કામ કર્યો તો એમાં? નહીં, ઉસ્માન મેમન એ તો હજી સુધી મારે